मेरी ये प्लानिंग मेरी नहीं थी, ये गोल्डी भाई की, सचिन की, इनकी प्लानिंग थी। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। लॉरेंस बिश्नोई को नॉर्थ इंडिया का एक पॉपुलर गुंडा बताया जाता है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। बहुत ही कम टाइम में लॉरेंस ने इतने खूंखार डॉन का नाम हासिल कर लिया है। ऐसा कहते हैं कि लॉरेंस जेल से ही अपनी गैंग को ऑपरेट करते हैं और पुलिस उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रही है। लॉरेंस बिश्नोई अपनी फेसबुक प्रोफाइल को जेल से ही चलाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि व्हाट्सएप के जरिए अपनी गैंग को वो डायरेक्शन देते हैं। कहा जाता है कि लॉरेंस के पास जेल में मोबाइल फ़ोन भी है, जिसका इस्तेमाल वो पब्लिक फॉर्म में करते हैं। लोगों के मुताबिक लॉरेंस एक बहुत शांत किस्म का लड़का था और बहुत ही कम टाइम में एक पॉपुलर गुंडा बन गया। लॉरेंस का जन्म पंजाब के अबोहर गाँव में हुआ था। लॉरेंस के नाम को लेकर बहुत बातें बनती हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो जन्म के समय सफ़ेद थे, इसलिए उनके पिता ने उनका नाम ईसाई नामों के मुताबिक लॉरेंस रख दिया था। लॉरेंस के पिता पुलिस में कांस्टेबल थे। उनके पिता का नाम लविंदर सिंह है। वो अभी पुलिस में एम्प्लॉय नहीं है, वो फिरोजापुर में रह रहे हैं, जहां वो अपनी ज़मीन की देखभाल करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि लॉरेंस के पिता ने अपने पुलिस के काम करने के दौरान बहुत रिश्वत ली और इस पैसे को लॉरेंस के ऊपर खर्चा किया। इसी की वजह से लॉरेंस काफ़ी बिगड़ी औलाद बन गए थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस ने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में एडमिशन लिया था। यहाँ लॉरेंस के कॉलेज के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया है। हालांकि लॉरेंस इलेक्शन में हार गए थे, लेकिन उसी चुनाव की वजह से उनमें डॉन बनने का एक सपना जग गया। लॉरेंस ने इस दौरान अपने ऑपोजिशन पार्टी से सार्वजनिक रूप में लड़ाई लड़ी, इसी वजह से उन पर पुलिस केस भी दर्ज किया गया था। स्टूडेंट यूनियन का नेता होते हुए लॉरेंस ने अपनी एक गैंग बना ली और दिन दहाड़े सुपारी लेने लगा। बहुत ही कम टाइम में लॉरेंस ने लोगों के सुपारी लेकर काफ़ी पैसा कमा लिया। ऐसा कहा जाता है कि आज के टाइम में लॉरेंस के पास कम से कम 10 करोड़ रुपए हैं। ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस के गैंग मेंबर भी काफ़ी अमीर हैं। उसी की गैंग का काली शूटर भी करोड़ों का मालिक है। इसके बाद राजस्थान की पुलिस सख्ती आई और लॉरेंस की गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करा। पुलिस ने लॉरेंस की गैंग के मेंबर जावेद झींगा को अप्रैल के महीने में गिरफ्तार किया था। झींगा ने पुलिस को बताया था कि पहले लॉरेंस उसे जेल से डायरेक्ट किया करते थे, लेकिन जब से सलमान खान वाला मैटर हुआ है, तब से पुलिस ने लॉरेंस को स्पेशल जेल में कैद कर दिया है, जिससे वो मोबाइल का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। लॉरेंस के एक और साथी संपत नेहरा को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उनसे पता चला कि लॉरेंस ने संपत को सलमान खान को मारने की ऑर्डर दिया था। इसी कॉन्टैक्ट में संपत नेहरा ने मुंबई जाकर सलमान खान के घर की जासूसी की थी। ऐसा बताया जा रहा था कि अगर पुलिस उसे जल्द ही अरेस्ट नहीं करते हैं तो वो सलमान पर अटैक भी कर सकता है। सलमान खान को दी गई मौत की धमकी, सिद्धू मूसेवाले की हत्या, साउथ दिल्ली में जिम मालिक की हत्या और अब NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, इन सभी हाई प्रोफाइल हत्याओं का एक नाम से जुड़ा हुआ है और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद बिश्नोई अपनी गैंग को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। बता दें कि इस मैटर ने मुंबई की ओल्ड गैंग वार की यादें ताज़ा कर दी हैं, जिसे 1970 के समय दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अबू सलीम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ जोड़ा जाता था। आपको बता दें कि वो बिश्नोई समुदाय से आता है। 2010 में उस पर पहली बार हत्या के प्रसाय का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद वो अपराधी गतिविधियों के शामिल हो गया था। 2012 में पहली बार बंठीरा जेल में बंद हुआ और बाद में उसे तिहाड़ जेल में भेजा गया था। उसे कई सीरियस क्राइम के लिए माकोका के तहत भी एक्यूज किया गया है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का नेटवर्क 5 स्टेट में फैला हुआ है और इससे तकरीबन 700 सुपर शूटर्स शामिल हैं। जेल में रहने के बावजूद भी वो अपनी गैंग को चलाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN और VIOP कॉलिंग जैसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिसका डब्बा कॉलिंग भी कहा जाता है। इस टेक्निक्स के जरिए कॉल्स के ट्रैक किया जाता है और मोबाइल नेटवर्क से बचा जा सकता है। NIA की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पंजाब में ही बिश्नोई गैंग के 300 से ज़्यादा शूटर हैं। इन शूटर का इस्तेमाल मर्डर और उगाई जैसी एक्टिविटीज़ में किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में यंग लड़कों को शामिल किया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए विदेशी देशों में सेटलमेंट करके प्रॉमिस देकर भर्ती किया जाता है। बोला जाता है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का मेन मेंबर जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी था,
जिसने गैंग का एक्सपेंशन पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों में किया था, लेकिन 2020 में हिमाचल प्रदेश में उसका मर्डर कर दिया गया था। गैंग ने और भी मेंबर हैं, गोल्डी बरार, जग्गू भगवानपुरिया और कालू जथेडी जैसे नाम भी इन्वॉल्व हैं। गोल्डी बरार कनाडा के गैंग में जमीनी गतिविधियों को ऑपरेट करता है और शूटर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई हाई प्रोफाइल मैटर्स से जुड़ा है, जिसमें पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मर्डर भी शामिल है। गोल्डी बराड के विदेश में मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें बिश्नोई का सहयोग बताया गया था। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के और मेंबर्स ने कई बड़े नेताओं के मर्डर की जिम्मेदारी भी ली है। बता दें कि ANI की रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से बाहर निकलने की कोई मंशा नहीं, बल्कि वो जेल में रहकर ही अपने गैंग को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसकी स्ट्रेटजी में बाहरी एलिमेंट, खास करके खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ अलायंस करके क्राइम को कमिट किया है। पंजाब के टेररिस्ट हरविंदर सिंह रिंदा भी बिश्नोई गैंग से जुड़ा है और पंजाब में टारगेट किए हुए मर्डर को अंजाम देने के लिए उससे शूटर्स का इस्तेमाल करता है। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए आपकी खबर के साथ।